खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन का मामला सामने आया है। दरअसल कर्मावास स्थित चेकपोस्ट पर एक पिकअप की तलाशी ली गई, जिसमें चारे से भरी पिकअप में 14 लोग दूसरे स्थान पर जा रहे थे। ग्राम विकास अधिकारी माधव सिंह चंपावत और तहसीलदार राकेश जैन ने पिकअप चालक सहित 15 लोगों को स्क्रीनिंग कराई और पिकअप को जब्त कर 2000 का चालान काटा। इसके बाद सभी लोगों को वापस रामसर गांव भेज दिया गया, लेकिन समाज सेवियों के विरोध के बाद सभी लोगों को पुलिस कस्टडी में रामसर भेजा गया और होम आइसोलेट किया गया है। लॉकडाउन में आप घर से बाहर निकल